नमस्कार जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कहो किस बात का गम है, हमें किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। बात कुछ यूं है कि कुछ बातें देख करके मन रोता है, दिल तड़पता है, आंखें डबडबा जाती हैं, जैसे कोयला तस्करी। भाई जल जंगल जमीन की जहां सरकार हो, वहां शायद या तो घोषणा पत्र में कोयला भूल जाते होंगे, इस कारण से कोयले की तरफ ध्यान नहीं देते होंगे, या फिर खेला कुछ इतना बड़ा होगा कि हम जैसे छोटे आम लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते होंगे। आज भी आपको हम कोयले का खेला दिखाएंगे और बाकायदा नाम के साथ दिखाएंगे, इलाके के साथ दिखाएंगे कि कौन से इलाके में कौन कौन से नाम सक्रिय है। अगर इसके बावजूद हम उम्मीद ये करेंगे कि कार्रवाई नहीं होती है तो हम यही समझेंगे कि ये कोयले का खेल कर चलता है और सिस्टम जो है वो यूं ताली बजाता है। यही होगा तभी हम यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना होते हुए जो हम दिखाने जा रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कोयले का मामला गंभीर है, सिर्फ राज्य से नहीं बल्कि केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। तो आज कोयले से जुड़ा खुलासा बेरमो से हम आपको दिखाएंगे, और वो भी डंके की चोट पर। बेरमो बोकारो के तहत आता है, बेरमो अनुमंडल। अब बेरमो अनुमंडल की लाइफलाइन है कोयला, मतलब समझ लीजिए कि अगर कोयला हटा दीजिएगा तो बेरमो के लोगों के पास आजीविका के लिए फिर बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। बेरमो की पूरी अर्थव्यवस्था इसी कोयले के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, कौन है वो? वो है कोयला तस्कर। कोयला तस्कर कौन? अरे वही भरे पूरे लोग, वही पहुंच वाले लोग जिनकी पहुंच ऊपर ऊपर तक है, कहते हैं कि उनकी पहुंच रांची तक भी है। बेरमो में कोयले की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, एक काला साम्राज्य स्थापित हो चुका है। देखिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उस रिपोर्ट को पहले आप देख लीजिए फिर उसके आगे की हम बातचीत करेंगे। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। बेरमो में कोयले का काला साम्राज्य, दिन के उजाले में होती है कोयले की तस्करी। कोयला माफियाओं को नहीं है किसी का डर। बेरमो अनुमंडल के सांस और पानी दोनों कोयला है, इसी के बलबूते यहाँ जिंदगी पटरी पर दशकों से दौड़ रही। लेकिन जहाँ कोयले की इस नगरी में एक तरफ जिंदगी सांस लेती है तो दूसरी तरफ एक काला साम्राज्य भी। इस काली सल्तनत की दीवारें इन दिनों मजबूत होती ही जा रही है। इससे देश के राजस्व को चूना पिछले कुछ सालों में चरम पर लगाया जा रहा है। कोयला तस्करों को यहाँ ना प्रशासन का डर दिखता है, ना ही किसी एजेंसी की फिक्र। आइए आपको उन इलाकों से रूबरू कराते हैं जहाँ कोयले की चोरी और तस्करी दिन के उजाले और रात के अंधेरे में हो रही है। पहला बोकारो थर्मल, दूसरा चारंगडी, तीसरा जलकरी, चौथा दुग्धा, पांचवा बलीडी। हालांकि इसके अलावे भी कई इलाके हैं जहां कोयले की चोरी मनमौजी ढंग से होती है। अब उन कोयला तस्करों के नाम भी बताते हैं जो इस खेल के शहंशाह बने हुए हैं। मदन जैन, उमेश जैन, पिंटू मल्लाह, अखिलेश्वर ठाकुर, अरुण गिरी, राजा जानकी महतो, सोरेन। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े नाम हैं जो कोयले के काले खेल में सरताज बने हुए, जिन्हें ना किसी का खौफ है ना किसी का डर। ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संसाधन देश के लिए कोयला ही है। देश को कोयले की जरूरत है। सोचिए ये कोयला माफिया देश की संपत्ति को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस कदर लूट मचा रहे हैं, और इसकी निगरानी करने वाला सरकारी अमला कैसे आंखें मूंदे हुए। सवाल है कि अगर इस तरह कोयले का काला खेल चलता रहेगा तो क्या हमारा राज्य और देश तरक्की की इबारत गढ़ेगा? इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। बेरमो से न्यूज 11 भारत के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट। तो हमने आपको कोयले का खेल दिखाया, बाकायदा नाम बताया कि कौन कौन कोयले की तस्करी में शामिल है। ये चंद नाम है
इस नाम की जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी, और वो फेहरिस्त भी हम आपके सामने ला करके रखेंगे। चंदन हमारे सहयोगी बेरमो से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंदन, सबसे पहले तो बताइए कि ये इलाका कौन कौन सा है, कैसे कैसे खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, चंदन बताइए बेरमो में। ये अभिषेक, बेरमो के बोकारो थर्मल से, जारंगडी से, ढोरी से और विभिन्न कोलेरियों से भी अवैध रूप से कोयले की ढुलाई की जा रही है, चाहे वो साइकिल के माध्यम से हो, टेम्पो के माध्यम से हो या बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से हो, जिसमें सीसीएल सुरक्षा के अधिकारी भी की लापरवाही भी साफ साफ उसमें दिखती है, जिनकी वजह से यह खेल हो पा रहा है। और विभिन्न डिपूस के माध्यम से कोयले की ढुलाई बाहर की जाती है। कुल चंदन एक एक बात समझना चाह रहे हैं, देखिए बालीडी, जारंगडी, ढोरी, दुगदा, मतलब ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर कोयले का यह खेल चल नहीं रहा है। अब जो बात आपसे समझना चाह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में हम बहुत कुछ दिखा चुके हैं। चंदन एक बार यह बताइए लोगों को, दर्शकों को यह समझाइए कि आखिर यह खेल चल कैसे रहा है, चूंकि एक सिस्टम होता है। मान लिया कि कोयले की चोरी है तो वहां पर केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनकी एक मतलब पुलिस होती है, राज्य की पुलिस होती है, कोयला सीसीएल के अधिकारी, बीसीसीएल के अधिकारी, तमाम तरह के अधिकारी होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है इस कोयला चोरी को रोकने के लिए। तो सब इसका मतलब कि भों हो गए हैं, सब सूत गए हैं, यही माना जाए, और तो क्या माना जा सकता है, या फिर ये लोग सब सहयोग कर रहे हैं कि भैया आप लोग कोयला चोरी करिए, देखने वाला कोई नहीं है। चंदन जी अभिषेक, अब तो ये हो गया है कि दिन के उजाले में भी कोयले की ढुलाई हो रही है, अवैध निकासी की जा रही है, और ऐसा नहीं है कि आला अधिकारियों की इसकी भनक न हो या इसकी खबर न हो, लेकिन अब उनकी चुप्पी, क्यों वो चुप हैं और किसके दबाव में चुप है, ये तो एक जांच का ही विषय है, और ये वही अधिकारी बता सकते हैं कि आखिर उन पर क्या दबाव है जो उनके नाक के नीचे से ये कोयले की ढुलाई हो रही है। चलिए, दूसरी तरफ बेरमो कोयलांचल अभिषेक कोयला बाहुल क्षेत्र है, और समझिए कि यहाँ आर्थिक जो भी स्थिति है वो कोयले से ही मजबूत होती है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोयले की इस तरह से अवैध ढुलाई की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि देश को तो क्षति पहुंच रहा है, राज्य को भी क्षति पहुंच रहा है, और उसी राज्य के अंदर बेरमो कोयलांचल भी है। अच्छा, गजब की बात ये देखिए, विधानसभा में मैं आज देख रहा था कि विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक तख्तियां लेकर के बैठे हुए थे कि कोयला चोरी बंद करो, कोयला चोरी बंद करो। मैंने बीजेपी की भी सरकार देखी और मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की भी सरकार देख रहा हूँ, कमोबेश स्थितियां वही 19-20 की रहती हैं। आज किसी को हिस्सा पहुंच रहा होता है, कल किसी को हिस्सा पहुंच रहा होता है, पर वहां पर जो लोग कोयले का चोरी के बादशाह बने बैठे थे, कल भी वही थे, आज भी वही रहते हैं। चंदन जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही स्थिति वही है। रघुवर दास जी की सरकार में भी वही स्थिति थी और अभी वर्तमान सरकार में भी वही स्थिति है, लेकिन और ये खेल बदस्तूर जारी है, और कहा जाए कि बेलगाम स्थिति में ये खेल है, बिल्कुल निडर होकर ये कोयले का अवैध धंधा चल रहा है उसे। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन, ये खबर आप सामने लेकर के आए। हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुक कर रहे हैं एक बार सुरेंद्र का। सुरेंद्र, पूरा बोकारो कोयलांचल धनबाद की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बेरमो की बात नहीं कर रहा। बोकारो में आप रांची के रास्ते आप निकलिए, ठीक है, आपको बोकारो जाने का रास्ता, रांची से दो रास्ता होता है, या तो आप रामगढ़ होकर के जाएंगे या फिर आप गोला होकर के जाएंगे, ठीक है। आप ओरमांझी क्रॉस करेंगे और कोयले की गाड़ियां आपको दिखनी चालू हो जाएंगी, और यह मान करके चलिए कि 70% गाड़ियां इसमें अवैध कोयला लोड रहती है, ठीक है। आप बोकारो जाइए, बेरमो जाइए, आप चंदन किनारी जाइए, आप किधर भी जाइए, कोयले की ऐसी अवैध लदी गाड़ियां आपको दिख जाएंगी, सड़क के किनारे अवैध कोयला डिपो आपको दिख जाएंगे, धनबाद घुस जाइए तो आप कोयला चोरी के हब में घुस जाएंगे। तो आखिर मतलब कोई देखने वाला है कि नहीं है, मतलब पूरा एक सिंडिकेट ही चल रहा है क्या? आपका कहना बिल्कुल है, जिधर जाइए कोयले की तस्करी दिख रही है, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जिनके जिम्मे यहाँ से ये कोयला निकाला जा रहा है, सीसीएल में सीसीएल के कर्मी है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, सीआईएसएफ है, और सीएस और जो सीसीएल का सुरक्षा गार्ड है वो है, बिना इनके मर्जी के तो कोयला निकलता नहीं होगा। अगर हम बात करें जो साइकिल, जिस तरह से साइकिल से भी कोयला जाता है, तो कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, भाई ऊपर से कहाँ से आदेश है,
कई तरह के बात आते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि अगर सीसीएल का कोयला चोरी हो रहा है तो सीसीएल का अधिकारी कहीं कंप्लेन करते नहीं है, तो आखिर चोर कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। जो हम कह सकते हैं कि जो रक्षक है वही भक्षक है क्या? या सीसीएल के अधिकारी को कहे, सीआईएसएफ कहे, या जो सीसीएल के जो सुरक्षा के लिए तैनात है, तो इन सभी के भी सवाल उठता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कोयला चोरी होता है। कोयला दिन में तो चोरी होता है, चोरी तो ये जो सुरक्षा गार्ड है आखिर वो करते क्या? या तो सोते रहते हैं या फिर उनकी मिली भगत में वो लिपता रहते हैं। जी भारती, बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि आखिर ये लोग करते क्या है, बहुत बड़ा सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल ये है सुरेंद्र। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि भाई इसके लिए एक सुरक्षा, मतलब इसको रोकने के लिए पुलिस है, सीआईएसएफ है, इसको रोकने के लिए बाकायदा सीसीसीएल बीसीसीएल के अधिकारी होते हैं, उसमें मोटी मोटी तनख्वाह होती है सबकी, कि आपको कोयला चोरी रोकना है तो भाई इनकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। क्या कोई जवाबदेही किसी की नहीं बनती इस सबको लेकर के? मतलब आप भी तो बहुत कुछ देखते हैं, मैं भी बहुत कुछ देखता हूं, तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं है? देखिए, अभी आपने कहा भारती की मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है, लेकिन इससे भी कहीं मोटी रकम इसे चोरी करवाने के लिए भी मिलती होगी, जिसके कारण इसे कोई रोक नहीं रहा है, चाहे वो सीसीएल के अधिकारी है, बीसीसीएल के अधिकारी है। आखिर ये सुरक्षा किसके जिम्मे है? सीआईएसएफ के जिम्मे है, तो सीसीएल के जो सुरक्षा गार्ड है उनके जिम्मे है। अब मान लीजिए कि आपका सामान चोरी हो रहा है, आप कहीं बोल नहीं रहे हैं, तो किसे पता चलेगा कि आपका सामान चोरी हुआ है? तो जिसका सामान चोरी हो रहा है, जो चोरी करवा रहे हैं, वही लोग शांत है, तो हम कहते हैं कि सही बात है। जिनको मतलब जिनको रोकना है असल में, वही लोग चोरी करवाते हैं। देखिए, हम कुछ तस्वीरें भी लेकर के हैं, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कोयला चोरी जो है वो किस तरीके से चल रही है, कि आप मतलब देखिए इसको, और इसको देख करके और क्या लगता है आपको, आप खुद सोचिए सुरेंद्र। मतलब इन तस्वीरों को देख करके और ऐसा लगता है कि जो राजस्व है, जो मतलब चाहे जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो राजस्व जाना चाहिए इनके पास, वो राजस्व जा नहीं रहा है। इसके बावजूद अगर सरकारी एजेंसियां इसको लेकर के संज्ञान नहीं ले रही, आप देखिए, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जितनी जांच एजेंसियां जो हैं, एक बार उनको आ करके और यहां पर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। एक बार आ करके वो देखें कि भैया ये जो चोरी है कोयले की, मतलब अब तो ये स्थिति है कि रात के अंधेरे का भी इंतजार नहीं किया जाता है, दिन दहाड़े कोयले की चोरी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हर कोई मिला हुआ है। एक बार मेरा सजेशन ये है कि जांच एजेंसियों को, जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां, उनको आ करके एक बार धरातल पर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। सुरेंद्र, कहना सही है, इस तरह के कई बार हमने कोयला चोरी के ऊपर सवाल भी उठाया है, तो जो जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम तक भी पहुंचती होगी, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं, वहां से रिपोर्ट भी अवश्य जाता होगा भारतीय, लेकिन उस रिपोर्ट पर कितना काम होता है या वहां के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कोयला चोरी का खबर दिखा रहे हैं, कोयला चोरी हो रहा है, राजस्व की हम कह सकते हैं बहुत बड़ी राजस्व की चोरी हो रही है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि खनिज पदार्थ झारखंड में बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह से अगर चोरी होगा तो किसका ये चोरी हो रहा है? झारखंड राज्य का चोरी हो रहा है या कोयला जा कहाँ रहा है? आखिर इसका मेन सरगना है आखिर वो कौन है? तो इन सब चीजों के लिए तो जो जांच एजेंसियां हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको जांच करने और ध्यान देना चाहिए। भारती, एम के अग्रवाल साहब हैं, सीसीएल ढोरी के जीएम है, महाप्रबंधक हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एम के अग्रवाल साहब सीसीएल ढोरी के महाप्रबंधक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। MK अग्रवाल साहब सीसीएल ढोरी के महाप्रबंधक, बहुत स्वागत कर रहा हूं न्यूज 11 भारत में आपका। सर, कोयले का काला खेल चल रहा है, मैं ढोरी की ही बात कर लेता हूं, अगर जारंगडी, ढोरी, दुगदा, इन तमाम इलाकों की, सीसीएल क्या कर रहा है इस कोयले के काले खेल को रोकने के लिए, साहब एक बार बता दीजिए। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया। जहाँ तक कोयले की चोरी के उत्पादन की इसकी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा धोरी क्षेत्र
सीसल में बहुत पहले से काफी एक पुराना क्षेत्र रहा है और मैं यहाँ लगभग 1.5 साल से जनरल मैनेजर के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। तो हमने अपने CISF और अपने अपने CCL के सुरक्षा कर्मियों के मदद से और प्रशासन DC AC और लोकल पुलिस के मदद से इस पर काफी रोक लगाई। सर एक सवाल मेरा ये है, मेरा एक सवाल ये है कि CCL की बंद या खुली हुई जितनी भी खदानें हैं अवैध कोयले की निकासी ट्रकों से या छोटे वाहनों से जो होती है, तो इस पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई इसको लेकर के की जा रही है? देखिए, चूंकि इस बात से आप भी इत्तफाक रखेंगे कि कोयले की चोरी तो हो रही है, या इसको आप खारिज करेंगे? कोयले की चोरी क्षेत्र में और कहीं से हो रही होगी, इसको मैं खारिज नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे धोरी क्षेत्र का बात है, तो धोरी क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोल सकता हूँ कि इसमें लगभग हमारे क्षेत्र में लगाम है। हाँ, कुछ औरतें आसपास के जो साइडिंग के पास में कुछ गरीब महिलाएं अपने घर में रावण आदि के लिए, वैसा कुछ केस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रक पर, ट्रैक्टर पर या किसी गाड़ी पर इस तरह की चोरी होती हुई या हम लोगों ने बिल्कुल ही इसको मैंने लगाम लगाए हुए हैं, और हमारे सुरक्षा अधिकारी भी हैं और हमारे CISF का भी 400 जवान है और अपने CISF के कमांडेंट और अन्य लोगों के मार्फत इस पर काफी चोरी लगाई है। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि हमारे धोरी क्षेत्र में ही ये 552 में देखो, ये न्यूज 11 में हमारा आ रहा है इंटरव्यू, ये गिरिडीह क्षेत्र आता है। गिरिडीह क्षेत्र आपको मालूम होगा कि 50 साल से रैट होल्स और कोयला चोरी के लिए काफी कुख्यात रहा है। वहाँ भी मैं आपको एक मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो वहाँ प्रोजेक्ट अफसर है और वहाँ जो एक SDPO है मिस्टर AK सिंह, ये 1304 रैट होल्स को हमने पिछले एक साल में, रैट होल्स मतलब कि गलत वो जो खोद करके अंदर में ले जाते हैं, उसको हमने डोजर के द्वारा, JCB के द्वारा बंद किया है। और अलग अलग पेपर में लगभग रोज ये आता है और हम 15 से 20 होल 25 होल रैट होल्स और लगभग हमने वहाँ पर कोयले की चोरी बंद कर दी, और गिरिडीह क्षेत्र भी धोरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन सर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जिन इलाकों की जानकारी मेरे पास है, आप बोलेंगे तो मैं मेरे संवाददाता को बोल दूंगा कि तस्वीरें आपको जाके दिखा देंगे, आपके साथ साझा कर देंगे। बालीडीह, जारंगडीह, ढोरी, दुग्धा, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर जमकर कोयले की चोरी हो रही है, और मैं बाकायदा नाम भी आपको बता देता हूँ। उमेश जैन, मदन जैन, पिंटू, अरुण गिरी, जानकी महतो, सोरेन राजा, ये कुछ ऐसे कोयला तस्करों के नाम है, छोटे छोटे, जो एक बोरा दो बोरा अपनी आजीविका के लिए कोयला चोरी करते हैं। हम भी समझते हैं कि भैया जिनके पास रोजगार नहीं है वो क्या करेंगे, उनकी बात हम भी समझते हैं। एमके अग्रवाल साहब, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व लग रहे हैं मुझे, तो इस कारण से मैं आपसे अपनापन के साथ ये बातें साझा कर रहा हूं। और मुझे ये फील हो रहा है कि दुख तब होता है सर, दुख यहां पर होता है जब मुझे पता चलता है, जब हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है कि जिन सुरक्षा एजेंसियों को कोयला चोरी रोकने के लिए रखा गया है, जिन अधिकारियों को कोयला चोरी रोकने के लिए लगाया गया, असल में वही मदद करते हैं कोयला चोरी के लिए। जब जो गाड़ियां जब्त होती हैं कोयला चोरी के एवज में, उन गाड़ियों का कोयला आखिर जाता कहां, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता कि भाई आपने 4 ट्रक जब्त किया, 4 हाईवा जब्त किया अवैध कोयला वाला, लेकिन वो कोयला जाता कहां है, आखिर उस कोयले का होता क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। मैं तो बाकायदा नाम और इलाके के साथ बता रहा हूं कि ये लोग कोयला चोरी कर रहे हैं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मेरे संवाददाता को बोलूंगा कि वो आपके पास जाएं और आपसे अपनी जानकारी को साझा करें ताकि आप कार्रवाई कर सके। एमके अग्रवाल साहब जी, आपने जितना 4 क्षेत्रों का नाम लिया जी, 4 क्षेत्रों में मात्र 1 क्षेत्र का मैं महाप्रबंधक धोरी क्षेत्र का हूँ, और मैं जो भी बोलूंगा अपने क्षेत्र के बारे में बोलूंगा, बाकी अन्य क्षेत्रों के अन्य महाप्रबंधक या अन्य लोग हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं यह दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे अपने धोरी क्षेत्र में
चोरी देखिए, वो जो माथा पर टोकरी लेके औरतें ले जाती हैं, घर के जलावन के लिए ले जाती हैं, इस तरह कार्यों के लिए ले जाती हैं, वो यदा कदा देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन जो अभी मैं आपके चैनल पर भी देख रहा हूँ ट्रैक्टर पर ट्रक पर, यह मेरा दावा है कि हमारे क्षेत्र में मैं अपने 400 सुरक्षा कर्मी जो हमारे बीएसएफ के जवान है उन सभी को भी मैंने टाइट किया हुआ है और उनके कमांडेंट के साथ, प्रशासन के साथ और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ लगभग महीना दो महीना में एक बैठक उच्च स्तर में करता हूं और उसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि इस बैठक में जो बातें हुई अगले बैठक में उसमें कहां तक समाधान निकला, अपनी एक कार्यशैली है और उसके तहत। लेकिन आपके माध्यम से जो मैं देख रहा हूं, हम लोग और इसमें कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की कुछ हो रही है या आपके संवाददाता जो आपने मुझे बताया अगर इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में आएगी तो हम इसको बिल्कुल ही रोकेंगे और हमारे कंपनी के मुखिया का भी यह सख्त आदेश है कि गलत मेहनत कशों के मेहनत से जो कोयला निकलता है वो गलत हाथों में ना जाए और मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पर और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे देश का यह जो बहुमूल्य काला हीरा है यह गलत हाथों में ना जाए, मुश्किल से निकला हुआ कोयला देश के कीमती हाथों में ही रहे। चलिए, अगर आप ये बातें बोल रहे हैं तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम आपके संज्ञान में लेकर के आएंगे, जहां पर भी गड़बड़ी हो रही है हमारा वादा है कि आपके दावे को हम एकदम 100% कोशिश करेंगे कि हम उसका रियलिटी चेक करें और अगर हमें वहां पर कोई त्रुटि मिलेगी तो हम ये आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, कोई भी त्रुटि आएगी तो फिर उसको हम आगे सुधारेंगे। जी जी, सुधारात्मक कार्रवाई है जो निरंतर चलते रहता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोकारो से। सुरेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो ढोरी के महाप्रबंधक सीसीएल ढोरी के सीधा साफ साफ ये कह रहे थे कि भाई अब मैं ढोरी की बात करता हूं, एकाद ये समझ लीजिए कि माथे में जो कोयला चोरी करते हैं, साइकिल में जो कोयला चोरी करते हैं, जो आजीविका के लिए चोरी करते हैं, और हमें भी उससे कोई ऐतराज नहीं। हम समझते हैं कि जिसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं तो वो करेगा क्या भाई। इसके लिए तो सबसे पहले सरकार को एक अल्टरनेट रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता, वरना आप सीधा जाकर के बोलेगा ना कोयला चोरी मत करो तो वो भूखे तो नहीं मरेगा ना। उसके पास अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, अपने सारी चीजों के लिए यही एक ऑप्शन बच जाता है। और ढोरी महाप्रबंधक कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो देखिए मैंने सब, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कोयले का खेल, मैं ढोरी की बात नहीं कर रहा लेकिन मैं तमाम जारंगडी बालीडीह दुग्धा इन तमाम इलाकों की बात कर रहा हूं, मैं तो नाम के साथ बता रहा हूं, उमेश जैन, मदन जैन, पिंटू, अरुण गिरी, जानकी महतो, सोरेन राजा, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि कोयला तस्कर हैं। साफ कह रहा हूं कोयला तस्कर हैं, कोयला चोरी करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र, अभी एम के अग्रवाल साहब ने कहा कि जो जीविका चलाने के लिए चोरी करते हैं, साइकिल से चोरी करते हैं, लेकिन एम के अग्रवाल अगर अभी न्यूज 11 भारत देख रहे होंगे तो हमें उनसे एक आग्रह करेंगे, जहां से कोयला निकलता है वहां एक सीसीटीवी अवश्य लगाए, सभी गेट पर लगाए, तब उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई में कोयला चोरी होता है कि नहीं होता है। तो कोयला कोई एक ढेला ले उठा के ले जाना, ट्रकों से निकाल कर ले जाना, भारी भारी वाहनों से लेकर जाना, तो उनको भी पता है, लेकिन भले वो कैमरे के सामने ईवी में कुछ भी बोले, अगर ऐसी बात नहीं है तो उन्हें हमारी राय माननी चाहिए और जो गेट है मुख्य द्वार पर उनको सभी मुख्य द्वार के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। भारती, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और जैसा कि अभी एमके अग्रवाल साहब बता रहे थे तो हम भी मीडिया हैं, देखिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जहां पर त्रुटियां मिलेंगी हम सवाल करेंगे। हमारे सवाल करना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने क्यों सवाल किया, तमाम चीजें सामने आती हैं, लेकिन भाई ये हमारा कर्तव्य है, सवाल पूछेंगे तभी तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे। सीधी सी बात इतनी सी है कि हमें नजर आया कि हाँ भाई कोयले की चोरी हो रही है, तस्वीरें इसकी गवाह है। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरा पीसीआर उन तस्वीरों को आपको दिखाए, जो तस्वीरें हमने देखी, एक बार इन तस्वीरों को देखिए, छोटी मोटी चोरी, एक टोकरी की, एक बोरे की चोरी ये दिख रही है अगर आपको तो आप बोलिए, ये एक टोकरी या एक बोरे की चोरी नहीं है, ये एक बड़ी चोरियों की तरफ इशारा कर रहा है। ये उनके लिए है जिनके पेट बड़े होते हैं, जो बड़े पेट वाले लोग होते हैं ना कोयला तस्कर, ये उनकी तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, हम तो बाकायदा नाम भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, बाकायदा एक एक नाम दिखा रहे हैं। आपका काम है पता करना कि ये लोग कौन हैं, आखिर ये लोग कोयला चोरी कहाँ करते हैं, ये तमाम चीजों को ढूंढना आपका काम है और इसका जवाब मिलना चाहिए। देखिए कोटेश्वर राव जी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोटेश्वर राव जी के बारे में बता दें कि ये सीसीएल बीएंडके के महाप्रबंधक हैं,
सीसीएल बीएनके का महाप्रबंधक से हम फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फोन की आवाज घंटी भी जा रही है, आपको ये आवाज सुनाई दे रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटेश्वर राव साहब से जुड़े ताकि उनसे भी ये सवाल जो हम एमके अग्रवाल साहब से सवाल ले रहे थे वो सवालों हम कोटेश्वर राव साहब से भी ले ताकि इसका जवाब वो दे सके कि हाँ भाई उनके इलाके में क्या चल रहा है। बी एंड के सीसीएल के महाप्रबंधक हैं, लेकिन कोटेश्वर राव साहब फोन उठा नहीं रहे। शायद वो कहीं व्यस्त होंगे या शायद वो कार्यक्रम देख रहे होंगे, जवाब देने में उनकी रुचि नहीं होगी, हम तो यही मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बस इतनी सी बात है कि जो चोरी हमने देखी हमने आपको दिखा दी, एक बार जो प्लेट से वो दिखा दीजिए ताकि हम दर्शकों को बता दें कि किन किन इलाकों में चोरी हो रही है और क्या क्या चोरी हो रही है। देख लीजिए बालीडी में ईट कोयले की चोरी चल रही है। कौन कौन? मदन जैन, उमेश जैन, पिंटू मल्ला, अखिलेश्वर ठाकुर, ये उन कोयला तस्करों के नाम है। अरुण गिरी, राजा, जानकी महतो, सोरेन, वो नाम है जो हम दिखा रहे हैं। अब इसके बावजूद अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे या इसके बावजूद कार्रवाई तो बहुत आगे है, चलिए जांच नहीं करेंगे अगर, तो हम तो यही मानेंगे और झारखंड की जनता भी यही मानेगी कि आप असल में इनके सहयोगी हैं। हमारा काम था खबर लेकर के आना, हम खबर लेकर के आए। हमारा काम था आपको टिप दे देना, हमने टिप दे दी। बोकारो थर्मल के बाद जारंगडी के बाद चलकरी के बाद दुग्धा के बाद बलीडे। सुरेंद्र, ये तमाम नाम हम बता रहे हैं, कोयला तस्करों के भी नाम है और इलाके भी हैं। अगर इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होगी तो जनता भी समझ जाएगी, आप भी समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रही है। सुरेंद्र, बिल्कुल भारतीय आपका कहना सही है। जिस तरह से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद भी जिस तरह से सीसीएल के एमके अग्रवाल और जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं नहीं सचेतते हैं और नहीं जांच करते हैं, तो स्वतः जनता भी समझ सकती है कि आखिर बात क्या होगा। भारतीय, चलिए सुरेंद्र बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस जानकारी के लिए। तो सुरेंद्र बोकारो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं, हम आपको इलाका भी दिखा रहे हैं, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता तो भाई संदेह के घेरे में तो सब आएंगे, तय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।